कोई भी कथा सुनाए तो सुन लेना चाहिए। बोले ना 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 ना, कोई भी सुनाए तो नहीं है, पढ़ कोई भी सकता है। ये माफी पूर्वक कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, पढ़ कोई भी सकता है, सुन कोई भी सकता है, सुना कोई भी सकता है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का उपदेश करने का अधिकार, इसमें बड़ी आचार संहिता लगा दी गई। अब आपको लग रहा होगा कि कोई साधारण सी चौकी रखी है और पंडित जी बैठे कथा सुना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भारत वर्ष की सर्वोच्च पीठ है। भारत राष्ट्र में राष्ट्रपति भी अगर आ जाएगा तो उसका आसन भी इससे ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये व्यासपीठ है। व्यास आसन आसीनम त्रिगुणम मन्यते जगत। व्यास आसन पर जो बैठेगा वो उतनी देर के लिए तीनों लोकों में वंदनीय होगा, इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय। हमारे यहाँ दो लोगों को विष्णु की संज्ञा दी जाती है, एक व्यासाय विष्णु रूपाय, दूसरा वराय विष्णु रूपाय। जितनी देर के लिए लड़का मोर रख के सहरा सर पे रखे होता है ना, मोर रखे हुआ जो जितनी देर दूल्हा होगा उतनी देर उसे भगवान विष्णु की संज्ञा दी जाती है, इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय और वराय विष्णु रूपाय। इसलिए व्यास आसन पर जो बैठा है वो तीनों लोकों में वंदनीय है, इसलिए आचार संहिता लगा दी। कौन कौन कर सकता है व्यासपीठ पर बैठकर उपदेश? बोले वैष्णव अभिप्रा विरक्ताश्च वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ताकारोति निस्प्रहा। सबसे पहली बात तो वैष्णव होना चाहिए, रामकृष्ण को मानने वाला हो, ब्राह्मण शरीर होना चाहिए और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र का विशुद्ध अनुभव होना चाहिए। ये कोई या तो सन्यासी हो या फिर वैष्णव हो, ब्राह्मण शरीर हो और महाराज वेद और शास्त्र का विशुद्ध अनुभव होना चाहिए। उसे ये पता हो कि वेद की अनुमति क्या है, शास्त्र की परिणति क्या है, पुराण की महाराज सम्मति क्या है, तब कथा खट तात्पर्य निर्णय के अनुसार कथा सुनानी चाहिए। ये मतलब नहीं होता कि आजकल जो कथाओं में नियम बना लिया ये महाराज वो कोई चिमटा लेके कूद पड़ रहा, कोई घड़ा लेके कूद पड़ रहा। मुझे माफी पूर्वक कह रहा हूँ, अलीगंज मैनपुरी क्षेत्र में बैठकर कथा सुना रहा हूँ, ये कथा का नियम नहीं है। मैं इस बात के लिए प्रणाम रूप में आप सबसे कह रहा हूँ, आप उसमें कीर्तन लिखाइए, आप उसमें भजन लिखाइए, आप उसमें आल्हा का गान लिखवाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप नाम भागवत का लिखवा दो। भागवत में 18,000 श्लोक में से 180 श्लोक बोलने की 7 दिन की स्थिति नहीं है, और भागवत को केवल भागवत भागवत नाम ले लिया। केवल भागवत का प्रयोग क्यों? भागवत एक अपनी अलग संस्कारों के साथ का ग्रंथ है, भागवत की एक अलग विधा है, भागवत को भागवत रहने दो, उसको उसी की विधा से ही वाचन हो, उसको पुराण के विधा से वाचन होने दीजिए। आपको जो कराना अलग से कराइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आजकल महाराज अड़ा एक स्थिति है, 3 घंटे की कथा में 3 घंटे नाच गाना करवा दो, 3 घंटे आयरो धीरे धीरे और ये पैसा चढ़ा दे, ये हो जाए और पूरी कथा की स्थिति में कहीं ध्यान ही नहीं है कि 18,000 श्लोक लिखा है, उसमें तो हिंदी में नहीं लिखी। मैं प्रणाम कर रहा हूँ, यहाँ हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जिन्होंने पुराण को समझा, जिन्होंने अब मैं अलीगंज क्षेत्र में बहुत बड़ी कथा, यहाँ नीरज जी बैठे हैं, अभी पिछले वर्ष नगला पहलवान में कथा हुई थी और अभी आपके सामने ये लोग बैठे हैं, अभी सौरभ चौहान अलीगंज में ही हमने कथा करी थी पिछले साल, इसी साल 2023 में और 24 में आपके सामने देखो ये अजय सिंह बैठे हैं, ये कथा करा रहे हैं। आप सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोगों को कथा परंपरा का आपने बोध किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी विद्वान हो, आप इसमें कहले ये तो देखो कि वो विद्वान भागवत जी को सुना रहा है कि नहीं सुना रहा, भागवत कथा है और कथा के नाम पर केवल दिन भर समय पार किया जाए वो उचित नहीं है। कथा के मूल विषय पर चर्चा करना ये हम सबकी परम जिम्मेदारी है। इस विधा से और ये भी नियम लिख दिया, बोले कथा में कोई 5,000 आदमी को खिलाए भंडारा करे जरूरी है? बोले नहीं, 9 कन्या खिला दे, 11 ब्राह्मण खिला दे, अपने रिश्तेदार खिला दे, मन हो तो गांव भर खिलाए, ना मन हो तो हवन करा दे और गीता पाठ करा दे। अगर कोई सन्यासी हो तो गीता पाठ, विरक्तश्चाद भवेद गीता पाठ है वो गीता पाठ करा दे, कोई घर गृहस्थी वाला है तो हवन करा दे, इसमें ही कथा पूरी हो जाती है। इसी भाव से कलिकाल में जो लोग